सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ से हमें 120 FPS का अपडेट देखने को मिल चुका है। 3.5 अपडेट यहाँ से आ चुका है अपना BGMI का। लेकिन यार एक दिक्कत यहाँ पर से हो रही है कि भाई मेरे पास जो है वो वन प्लस का मोबाइल है, रियलमी का मोबाइल है, या पोको का मोबाइल है, या फिर IQ का मोबाइल है, लेकिन यार मेरा 120 FPS सपोर्ट करना चाहिए लेकिन सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, या मेरा 120 FPS सपोर्ट करता भी है, इसकी लिस्ट है क्या, सब कुछ है भाई। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर से देखना। अगर आप लोग को मतलब पता करना है ना कि भाई मेरा 120 FPS इन फ्यूचर भी सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, तो भी आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देख लेना, क्या पता आप लोग को 120 FPS देखने को मिल जाए। तो अब यार हम लोग बात करते हैं सबसे मेन, तो आप लोग को 120 FPS का सपोर्ट क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग का मोबाइल का वर्जन है तो वो क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए हमें कौन कौन सी सीरीज़ के अंदर, कौन कौन से मोबाइल के अंदर में यहाँ पर से 120 FPS देखने को मिलेगा। तो यार आप लोग इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर से देखना। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं सबसे मेन, तो यहाँ पर से हम लोग को, यार मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, देखो रियलमी का डिवाइस और पोको का डिवाइस और यहाँ पर से लावा और मोटोरोला के अंदर में यह हमें 120 FPS नहीं देखने को मिला है। जो जो मोबाइल के अंदर में देखने को मिला उनकी सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ। तो देखो इन्फिनिक्स के अंदर देखने को मिला है, IQ के अंदर देखने को मिला है, और वन प्लस के अंदर में देखने को मिला है, और जो ZTE डिवाइस है ना, नूबिया, रेड, ये सब जो है इनके अंदर देखने को मिला है, और आसूस के अंदर देखने को मिला है, और सैमसंग और एप्पल के अंदर देखने को मिला है। तो ये सब डिवाइसेज हैं जिनके अंदर में आप लोगों को देखने को मिला है। अब IQ वाले बंदे भाई इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि IQ वाले बंदों को देखने को मिला है यहाँ से 120 FPS, और इन्फिनिक्स जो भी यूज़ करते हैं ना उनको भी यहाँ पर से देखने को मिला है। तो अभी हम लोग सबसे मेन बात करते हैं इन्फिनिक्स की। तो इन्फिनिक्स के अंदर में जिन बंदों के पास इन्फिनिक्स GT20 Pro है तो उनको यहाँ पर से हमें देखने को मिल चुका है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, तो यहाँ पर से जो है ना CMF1 जो है ना वो CMF1 जो है उसके अंदर 120 FPS हमें यहाँ पर से देखने को मिल चुका है। धीरे धीरे करके अपडेट आएंगे उनके अंदर, आप लोगों को क्या होगा कि आप लोग के जो डिवाइसेज है ना वो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर रियलमी के अंदर देखने को मिल जाए, पोको के अंदर देखने को मिल जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पोको F6 के अंदर में शो नहीं हो रहा है, जो कि रिमूव हो चुका है, पहले आया होगा लेकिन अब रिमूव है। तो ऐसे इन फ्यूचर जैसे जैसे अपडेट आएगा उसके अंदर 120 FPS आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो आए हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर से आप लोगों को इन्फिनिक्स GT20 Pro के अंदर में देखने को मिल जाता है। अब जिन बंदों के पास इन्फिनिक्स GT20 Pro है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के पास कौन सा मोबाइल है, GT20 Pro है कि नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो उन बंदों का भाई GT20 Pro के अंदर में आराम से यहाँ पर से हमें देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस यहाँ से हम लोग बात करते हैं IQ वाले बंदों की। तो भाई जिन्होंने IQ के ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर आप लोग को यहाँ पर से 120 FPS नहीं मिलेगा। जो भी इसके लेटेस्ट वर्जन है ना 12 और 12 प्रो और 11 प्रो, उनके अंदर हमें यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। बाकी इसके और भी वर्जन आते रहते हैं, बहुत सारे इसके डिवाइसेज हैं IQ के, तो इसके अंदर भी आप लोग चेक करना कि आप लोग का जो है यहाँ पर से क्या पता चल जाए 120 FPS। और अगर आप लोग के ये सब मोबाइल है आपके पास लेकिन नहीं चल रहा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि 120 FPS हमें क्यों नहीं देखने को मिला अगर हमारे ये सब हमारे पास डिवाइस हैं अभी। तो सबसे मेन बात करते हैं यहाँ से वन प्लस की। तो देखो वन प्लस की जो भी आप लोग यहाँ पर से देखने को मिलता है, वन प्लस ओपन, वन प्लस 11, वन प्लस 11R और वन प्लस 12 और वन प्लस 12R, तो इन सब के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी यार ये जो है ना ZTE डिवाइस, अगर आप लोग कभी आप लोगों ने यूज़ करा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाकी कैसा मोबाइल होता है ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ZTE मोबाइल आप लोगों ने कभी देखा है या नहीं देखा है, या यूज़ किया या नहीं करा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बाकी यहाँ से हम लोग बात करते हैं आसूस की। तो यहाँ पर से आप लोगों को देख सकते हो, तो आसूस के अंदर आप लोगों को आसूस ZenFone 11 Ultra, आसूस ZenFone 10 के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और आसूस ROG जो भाई 7 यूज़ कर रहे हैं ना उनके अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जो अल्टीमेट वाला है उसके अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। iPhone 6 यूज़र भाई माफ़ी चाहता हूँ भाई, नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर से आप लोगों को 120 FPS, बल्कि अच्छा फ़ोन है भाई आसूस के जो लो एंड डिवाइस है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग ही लेवल के हैं यार ग्राफिक्स के अंदर। लेकिन जो है यहाँ पर से आप लोगों को 7 से स्टार्टिंग देखने को मिलती है और 8 तक आप लोगों को लास्ट यहाँ से देखने को मिल जाता है, 8 प्रो और 8 फोन के अंदर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ से मैंने आप लोगों सैमसंग की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ैन है भाई सैमसंग के। तो सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज़ के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, S23 सीरीज़ के अंदर, और जो जेड फोल्ड होता है ना, जो फोल्ड वाला फ़ोन होता है, उसका 5 वाला वर्जन आप लोगों को यहाँ पर से 120 FPS वाला देखने को मिलता है। और बाकी बात कर लें यार यहाँ पर से आईफोन की, जो बंदे आईफोन यूज़र्स है भाई मतलब अलग ही लेवल के खुश हो जाओ, क्योंकि जिन
बंदों ने भाई 13 से मोबाइल लिया था ना आईफोन का, तो उनको भाई देखने को मिलने वाला है। तो सबसे मेन बात करते हैं यहाँ पर से आईफोन की। तो यहाँ पर आप लोग जो है 13 प्रो से स्टार्ट होता है और 16 प्रो मैक्स तक आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब जो बंदे भाई आईफोन 16 है उनके पास ना प्रो है ना मैक्स है, तो उनको नहीं देखने को मिलेगा भाई यहाँ से 120 fps, बाय चांस देखने को मिल सकता है, बाकी नहीं दिखेगा। आप लोग लिस्ट वगैरह देख सकते हो। और यहाँ से अगर हम लोग 15 की बात कर लें तो 15 में भी देखने को मिलेगा, लेकिन प्रो से स्टार्ट है, 14 प्रो भी यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। आईपैड की बात कर लें तो भाई आईपैड प्रो के अंदर में ये सारे के सारे वर्जन हैं, 2020, 2021 और 2022 वाले जितने भी वर्जन हैं ना, मतलब जितने भी नहीं, 12.9 वाला, 11 वाला और 12.9 वाला, ये सारे वर्जन के अंदर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट भी शो हुआ है या नहीं हुआ है आप लोगों का 120 fps। तो यार देखो, जिन बंदों का अगर जो है यहाँ से सपोर्ट करता है लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनका ऐसा हो सकता है कि उन्हें जो ना अपडेट करने की ज़रूरत है मोबाइल को। अगर वो मोबाइल अपडेट करते हैं तो इसी हिसाब से आप लोग को जो है यहाँ पर से 120 fps सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो मेनली वर्जन जो है वो जो है सपोर्ट करते हैं, वो जो हाई एंड डिवाइस होते हैं ना जिनका वर्जन ज़्यादा होता है, उस हिसाब से जो है यहाँ पर से 120 fps सपोर्ट करता है। बाकी अगर आप लोग का अपडेट नहीं करा है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, और आप लोग के पास कौन सा डिवाइस है ये भी कमेंट करके बताना। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर देना। बाकी गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।